खबर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धूमा थाना क्षेत्र की है, जहां कई ग्रामीण एकत्रित हुए। हर गांव में बिक रही अवैध शराब को बंद कराने के लिए एक विशाल रैली निकाली गई। ग्रामीणों ने इससे पहले भी कई बार धूमा पुलिस से ग्रामीण बाहुल क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब को बंद करवाने के लिए आवेदन किया था। इसके बावजूद भी वहां अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद होती जा रही है। और जानकारी के मुताबिक ग्रामीण लोगों ने खुद ही शराब बंद कराने का संकल्प लिया और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। ये शराब के विरोध में रैली है भाई साहब, और जो गांव-गांव में की जा रही है, ज्ञापन के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का आज प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ना हो सके शराब, केवल शराब की दुकान से बिक्री की जाए, ना कि गांव-गांव उछले। उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कि उसमें नियमानुसार अवैध बिक्री पर रोक लगाई जाए।